पिछले दिनों पंजाब के शहर संबड़ियाल में एक बारात में डॉलर्स, यूरो और मुख्तलिफ गैर मुल्की करेंसी के अलावा नए मोबाइल फोन्स लुटाए गए। और हमारी आज की इस महफिल में मौजूद है दुल्हा और उसके अहले खाना, और साथ बैठा है इसी बारात से फैजियाब होने वाला, यानी इस बारात में लुटाया जाने वाला सामान लूटने वाला नौजवान। जी ओ जी, निरा नौजवान नहीं, खानदानी बराते लूटने वाले हम। अच्छा, जबरदस्त, ये पहली बार सुना है। जुनैद साहब, दुनिया खुश हो गई है यार, देखो मोबाइल, यूरो, डॉलर लुटा रहे हैं। कोई दुनिया खुश वुश नहीं हुई, करोड़ों गरीबों के दिल टूटे हैं ये मंजर देख के। और जुनैद साहब, दिल उनके टूटते हैं जो जेलस होते हैं। और बंदा कमाता किस लिए? खुशियों के लिए। हमारी तो सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारा चांद से भाई की शादी होगी। जुनैद साहब, हर बंदा देख के ना हमारे चांद को पूछता जरूर है, ओ भाई जी, ये पहली तरीक का चांद है या दूसरी का? और मैंने कहा ये वो चांद है जिसको देखने के लिए पूरी कमेटी बैठती है। जुनैद साहब, जब छठे लगे ना डॉलरों के, लोग पूरी गली में जानवरों की तरह एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। ये मंजर देख के आपकी अना को बड़ी तस्कीन मिली होगी कि लोग कीड़े मकौड़ों की तरह आपके सामने मर रहे हैं, बिछे जा रहे हैं। और नहीं जनाब, लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए कि डॉलर जिसका रेट आसमान को छू रहा है, वो जमीन पे गिर रहा है डॉलर। अच्छा, ये डॉलर, पाउंड, यूरो, ये तो पहले भी कोई दो चार दफा वाकयात सुने हमने, ये पहली बार सुना है कि मोबाइल लुटाए। ये आइडिया कैसे मोबाइल देख के तो लोग पागल ही हो गए। मेरा बड़ा नुकसान हुआ जी इस बारात में। क्यों? मैंने लूटे दो मोबाइल। हाँ, तो मौज हो गई। मौज कहाँ से होगी जी? हाँ, वो बाजार वाले जो मोबाइल वाले, वो इसको खोलने का, ओपन करने का 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। ओ, वो पीटी अप्रूव्ड नहीं होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो 1.5 लाख मांग रहे हैं जी, और दो का तो 3 लाख पड़ता है। दूल्हा साहब, मोबाइल तो नहीं खुलवा सकता, लेकिन जो मोबाइल की सिम की जैकेट खोलते हैं ना, पिन मार के, वो ये कर सकता। और तुमने यूं बेदर्दी से फेंक दिए, हॉलैंड में दिन रात मेहनत करके ये मोबाइल कमाए हैं। तो आपने भी तो लुटाए हैं ना, लोगों में लुटाए थे ना। मैं तो कहता हूँ वो इसको कहो एक मोबाइल बेच के दूसरा खुलवा ले। सेठ के बेटे की शादी हुई है संबड़ेवाल में, 100 साल तक ये बातें याद रखी जाएंगी। बड़े फखर की बात है। पुत्र तो ज्यादा ना बोल बेटा, तेरी बड़ी महंगी शादी हुई है। पुत्र 4 दिन कटने भी नहीं थे। बाजी थोड़ा बनता सी कि इस दूल्हे के उत्तों तुसी मोबाइल, यूरो, डॉलर, पाउंड सुटदे? थोड़ा बनता सी इस बच्चे के उत्तों गोलियां, टाफियां वार के वह सुट देंदे, किसी नुक्कर दे च शक्कर सुट देंदे, कबरां दे उत्ते दाल सुट देंदे, इहदे उत्तों तुसी पाउंड सुटन डे। इतना खूबसूरत दूल्हा है। मेला मवेशिया में ऐसे दूल्हे की हमेशा ज्यादा दूध देने वाली बकरी फर्स्ट आती है। जेलस। मैंने तुम्हें बेटा कहा था ना, जो काम हमने कर दिया है वो कई महीने तक डिस्कस होता रहेगा। खुदा का नाम ले सेठ साहब, लोग खुश हो रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लोग बुरा भला कह रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपकी इस गंदी हरकत को। जुनैद साहब, देखो ये जो दौर है ना, ये दौर है कि डिस्कस हो बेशक बुरा हो या चंगा हो। क्या कहने अब्बा जी? बाजी इतना पैसा तो अड़को, अपना हासा ही सही करा लो। अबू जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उतरे जी ठीक तबीयत। जुनैद साहब, वैसे कई दिल की हजरतें दिल में ही रह गई है। मेरा तो दिल करता था कि मोटरसाइकिलों के पीछे टे लगाओ। क्या बात, क्या बात, वाकई आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती। नहीं, मैं देखो मेरी बात सुनो, जो होती है ना जी खुशी,
वो मनाने का अपने तरीका होना चाहिए। बड़ा मेरा दिल करता था जुनैद साहब, मैं जब भी देखता था कि यार ये लोग जब पैसों का छट्टा लगता है तो किस तरह उसके पीछे टूट के पड़ते हैं। तो अभी जब मैंने जुनैद साहब ये सुना है ना कि डॉलरों की वजह से सारा पाकिस्तान परेशान हुआ, डॉलर का रेट जहां पहुंच गया है उसने पाकिस्तान में भूख पैदा कर दी है, गरीब आदमी वो पिस रहे हैं। चंद साल पहले आपके पास मोबाइल में डालने के लिए बैलेंस नहीं होता था। आके और जब FBR वाले यही बात पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? बहाने लगाएंगे ना। ले उधर भी एक छटा ला रहे हैं। ओ जनाब, हॉलैंड में मेहनत की है, दिन रात एक की है। जनाब साहब बड़ी मेहनत की है इस मेरे बच्चे ने। इसका जनाब साहब हॉलैंड में अपना तंदूर है और मशहूर है कि जब ये तंदूर में रोटी लगाने जाता है बाहर सिर्फ इसके पैर नजर आते हैं। तो रोटी उतारने के लिए उबर में जाता है अंदर। बाबूजी सर जी, मेरा नुकसान तो पूरा करवाओ ना जान जाले करो। जब मैंने पैसे लेके दे वो बाल खिलान दे करें जी इसका कुछ। यार देखो जुनैद साहब, गुर्बत कितनी है इस मुल्क में, उसने मोबाइल लूट भी ली है मगर उसके किसी काम के नहीं है। इसी बात का आप लोग मजा ले रहे हो, कुछ शर्म करें।